नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप व्यूज में। मेरा नाम है सुनील यादव और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साइट मैप क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो साइट मैप और इसके टाइप्स को समझने के लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि साइट मैप क्या होता है, साइट मैप के फॉर्मेट क्या होते हैं और साइट मैप कितने टाइप्स के होते हैं, उसको क्रिएट कैसे किया जाता है। तो इन चारों क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल में मिलने वाला है। कोई भी डाउट होगा तब भी आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि साइट मैप क्या होता है। साइट मैप होता है एक फाइल होती है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की पेजेस, वीडियोस और जो भी अदर फाइल्स होती हैं हमारी वेबसाइट की, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो सारी की सारी चीजें उस फाइल के अंदर होती हैं, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं साइट मैप। तो साइट मैप का बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारा गूगल, यानी कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, जो भी हमारा सर्च इंजन है, सर्च इंजन के जो भी क्रॉलर हैं, जो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, उनको हेल्प करता है हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में। उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए, जो भी क्रॉलर की या फिर जो हमारे सर्च इंजन है उसकी जो एल्गोरिदम होती है, ठीक है। तो इससे हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है जब भी हम अपनी साइट को रैंक कराना चाहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि साइट मैप के फॉर्मेट क्या होते हैं। तो साइट मैप के जो बेसिकली सपोर्टिव सेवरल साइट मैप फॉर्मेट्स हैं वो हैं तीन गूगल के। एक है XML, दूसरा RSS, MRSS एंड Autumn 1.0 और तीसरा है टेक्स्ट। तो ये तीन उसके क्या है, फॉर्मेट है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसकी कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कितने टाइप्स के होते हैं, जो साइट मैप होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है XML साइट मैप, दूसरा होता है HTML साइट मैप। तो ये दो साइट मैप के टाइप्स होते हैं। ये आपको कोई भी इंटरव्यू पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, या फिर कोई आपका क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए आप इनको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साइट मैप को जनरेट कैसे करते हैं, ठीक। तो यहां पे आते हैं, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे यहां पे। तो यहां पे हम लिखते हैं जैसे कि साइट मैप जनरेटर, ठीक है। इसके हम क्लिक करते हैं, पहली साइट ओपन होती है, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे जाते हैं अपनी वेबसाइट का, जो भी आपकी कोई वेबसाइट है, आप जिस वेबसाइट का SEO करना चाह रहे हैं उस वेबसाइट का क्या करेंगे, आप यहां पे लिंक डालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अब एक साइट है, मैं उसका डालता हूं। अब मैंने इस साइट का करा कॉपी, अब मैं इसको क्या करता हूं यहां पे जाके पेस्ट कर देता हूं। अब सिंपल एंड फ्री टूल है ये, इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी वेबसाइट को जब आप इसका साइट मैप यहां से जनरेट करेंगे। तो यहां पे साइट मैप जनरेट कर रहा है, कुछ ही सेकंड के अंदर आपकी जो फाइल है वो आपके सामने आ जाती है। अब क्या है कि मेरी जो साइट है उसका साइट मैप यहां पे रेडी हो चुका है, ठीक है। यहां पे मैं करता हूं व्यू साइट मैप डिटेल्स, अब मैं इसको क्या करता हूं यहां पे क्लिक करता हूं। अब यहां पे आप देखोगे कि मेरी जो साइट मैप है वो यहां पे रेडी हो चुका है। यहां पे इसका टाइम भी दे रहा है और कौन कौन से पेजेस है मेरी वेबसाइट के अंदर, वो सारे के सारे पेजेस इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था, सारे के सारे पेजेस क्या होते हैं, क्रॉल क्रॉल कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे इंडेक्स हो गया ये जो भी हमारी चीजें हैं, और यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां से हम डाउनलोड करने के बाद इसको यहां से ओपन करेंगे। ओपन जब हम करेंगे इसको यहां पे, तो कुछ हमारा इस तरीके से जो हमारी साइट मैप है ये ना, ठीक है। तो ये हमारा साइट मैप इस तरीके से रेडी हो गया पूरा का पूरा। ये हमारी साइट की क्या है, फाइल बन गई है, जो फाइल हमारी गूगल को क्रॉल करने में, गूगल के क्रॉलर को हेल्प करेगा हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में, रीड करवाने में उसकी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। तो एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्मूला है और ये शॉर्ट टॉपिक है जिसको आप समझ के आसानी। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्यूटोरियल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी है, कोई भी कमेंट है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मेल करिए, मैं और मेरी टीम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।